सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज आदर नाइन ऑन प्रोनाउन तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट देखा था ऑब्जेक्ट भी नाउन एंड प्रोनाउन होता है वैसे ही किसी अगर सेंटेंस में अगर वो नाउन एंड प्रोनाउन ही है मतलब वो सब्जेक्ट नहीं होगा ऑब्जेक्ट भी नाउन एंड प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट भी नाउन एंड प्रोनाउन ही होता है जैसे एक सेंटेंस में वर्ड से पहले बहुत सारे वर्ड लिखे हैं एडजेक्टिव है प्रपोजिशन है कुछ भी है तो अगर वो नाउन या प्रोनाउन है वही वर्ब हो वो वही क्या होगा वही सब्जेक्ट होगा बाकी अदर सब्जेक्ट नहीं होंगे जैसे डॉक इज़ बार्किंग अब यहाँ पे यहाँ पे बार्गिंग क्या है मेन वर्व है एंड इज हेल्पिंग वर्व है दोनों क्या है वर्ब है और हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है वर्ब है मतलब सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट है मतलब वर्ब होगा विदाउट दिस सेंटेंस बनी नहीं सकता था डॉग इज बार्गिंग तो ये क्या है ये नाउन है नाउन है क्योंकि ए ए और वर्ड अगर आर्टिकल और वर्ड लिखा होता है तो इट्स अ नाउन तो ये नाउन है तो नाउन ये क्या है ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट क्या होता है नाउन या प्रोनाउन वैसे तो यहाँ पे सेंटेंस है वी शाल गो टू द पार्टी अब यहाँ पे शाल क्या हेल्पिंग वर्ब और गो ये मेन वर्ब है और दोनों ही वर्ब है वर्ब से पहले क्या आएगा सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट सो वी नाउन ए प्रोनाउन होता है तो है क्या है प्रोनाउन तो सब्जेक्ट क्या होता है नाउन एड प्रोनाउन दिस इज प्रोनाउन ये, ये we क्या है वी क्या है सब्जेक्ट और यहाँ पे ये क्या है टू क्या है प्रपोजिशन प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ड होता है वो कहता है दैट इज ऑब्जेक्ट तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये क्या है या तो प्रोपोजिशन ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन एंड दिस इज नाउन सो वी शाल गो डू दार्ट में सब्जेक्ट क्या है वी हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब है टू प्रपोजिशन है एन द पार्टी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक सेंटेंस है कूल गाय इज लुकिंग हेयर अ कूल गाई इज लुकिंग हेयर यहाँ पर लुकिंग क्या है मेन वर्ब है इज हेल्पिंग वर्ब है एंड इससे पहले जो जो भी सब्जेक्ट है ये क्या होगा ये सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर कूल cool तो क्या है ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्ट क्या होता है हमारा नाउन तो अ गाय तो दिस इज नाउन ये हमारा सब्जेक्ट होगा ना कि कुल कुल तो एब्जेक्टिव है और सब्जेक्ट कभी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता हमेशा एक एक सेंटेंस होता है एक ही वर्ड होता है ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं होता सो सब्जेक्ट एक आए इज़ लुकिंग हेयर यहाँ पे लुकिंग लुकिंग क्या है मेन वर्ड मेन वर्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं आता मेन वर्क के बाद अगर नाउन एंड प्रोनाउन नाउन है तभी ऑब्जेक्ट होगा ये क्या है यहाँ पे हेयर हेयर एडजेक्टिव है सो इट इज नॉट ऑब्जेक्ट सो डेड मैन यहाँ पे क्वेश्चन था डेड मैन टेल नो टेल्स तो यहाँ पे टेल ये क्या है मेन वर्व मेन वर्ब से पहले क्या आता तो है टेड मेन क्या पे सब्जेक्ट क्या होगा मेन क्योंकि यही है नाउन ये नाउन है दिस इज सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट नहीं होता दिस इज सब्जेक्ट तो मैन इज सब्जेक्ट और इसके बाद नाउन एंड प्रोनाउन है नहीं तो टेल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा एंड डेड क्या मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन को दिस इज एडजेक्टिव तो जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे मैन है मैन और फिर यहाँ पे वर्ब है टेल अब इसके बाद क्या आ रहा है टेल वॉट टेल वॉट नो टेल्स टेल वॉट टेल्स तो यहाँ पे ये क्या है ये ऑब्जेक्ट है और नो क्या है इसको एडजेक्टिव भी मॉडिफाई कर रहा है तो इसका इसका टेल का ऑब्जेक्ट क्या है टेल्स एंड क्या है नाउन इट इज़ नाउन यहाँ पर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन इन द फर्स्ट टू रिसीव द स्वीट्स सो रिसीव क्या मेन वर्ब सो मेन वर्ब से पहले क्या आना चाहिए सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रन इन द फर्स्ट रो तो इन क्या है प्रपोजिशन प्रपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट सो इन द फर्स्ट फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव है तो द रो रो होगी ऑब्जेक्ट सो रो विल भी ऑब्जेक्ट एंड इज अउन नाउन है तो ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट है एंड हु रिजी द स्वीट चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन क्या होगा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड क्या है नाउन नाउन सो so, यहाँ पे हमारे अगर वर्ब है अगर वर्ब है तो यहाँ पे इससे पहले सब्जेक्ट भी आएगा तो रो यहाँ पे इन प्रपोजिशन है प्रपोजिशन के बाद अब फर्स्ट रो ये एडजेक्टिव है एंड ये ये क्या है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट अब इसके बाद क्या बचा अगर चिल्ड्रन बचा तो यही क्या होगा ये सब्जेक्ट होगा फिर रिसीव्ड के बाद ये क्या है वर्ब वर्ब के बाद क्या आएगा या तो ऑब्जेक्ट आ सकता है नहीं भी आ सकता है ऑब्जेक्ट क्या है वर्ब के बाद नाउन है नाउन के नाउन है तो तुम्हें दिस इज ऑब्जेक्ट द स्वीट्स इज ऑब्जेक्ट तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है इन द रो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बाकी बच्चा ये ये सब्जेक्ट है ओके तो स्केरिएस्ट वेलन ऑफ ऑल द टाइम इज़ गब्बर अब यहाँ पर इस क्या है ये मेन वर्व है मेन वर्व ये लिंकिंग वर्व है लिंकिंग वर्ग के बाद हमें आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये मेन वर्व है वर्ब से पहले क्या आएगा आएगा एक ऑब्जेक्ट uh, अब ऑफ क्या है प्रपोजिशन प्रपोजिशन के बाद लगता है हमारा ऑब्जेक्ट तो टाइम क्या है ऑब्जेक्ट है ये नाउन है और इसके ऑल क्या है ये एक्जेक्टिव है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है फिर यहाँ पे द स्केरियस्ट विलन ये क्या है ये एडजेक्टिव है फुल दिलन बचा विलन इज सब्जेक्ट द विलन इज अ सब्जेक्ट एंड हमें पता है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेम होते हैं तो यहाँ पे द विलन गब्बर द विलन और गब्बर सेम बंदे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट तो कॉम्प्लीमेंट सो तो यहाँ पे सेंटेंस है इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विथ इज वाई वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन सो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है प्रेजेंट और ये क्या है वॉज हेल्पिंग वर्ब है अब इसके पहले मतलब क्या एक आएगा एक सब्जेक्ट आएगा माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ सो विथ क्या है प्रपोजिशन प्रपोजिशन के बाद ये क्या आएगा ऑब्जेक्ट वाइफ क्या है ऑब्जेक्ट एंड माई ब्रदर इन लॉन् ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ प्रोनाउन यहां पे इन क्या है प्रपोजिशन है इसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है दिस इज नाउन सो क्या बचा माई ब्रदर इन लॉ ये क्या होगा ये सब्जेक्ट होगा फिर प्रेजेंट मेन वर्ब है इसके बाद क्या रहा है प्रपोजिशन प्रपोजिशन के बाद क्या आता है सो द फंक्शन क्या है ऑब्जेक्ट एंड इज नाउन क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या आता है हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन मेक एंड तो ब्रदर इन लॉ ही सब्जेक्ट यहाँ पे ब्रदर इन लॉ सब्जेक्ट है एंड माई क्या है ये पजेसिव एब्जेक्टिव होता है जैसे हिज वाइफ यहाँ पे ये हिज क्या है ये पेजेसिव एबजेक्टिव है एंड वाइफ क्या है ऑब्जेक्ट है एंड ये प्रपोजिशन एंड वन मोर थिंग यहाँ पे ये प्रेजेंट वर्ब नहीं है यही मेन वर्ब है और वाज ही बी का फॉर्म है तो ये लिंकिंग वर्ब ही है लिंकिंग वर्ब के बाद हमें पता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो लिखा है माई ब्रदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेम तो ब्रदर इन लॉ ही प्रेजेंट था ब्रदर इन लॉ एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज सेम तो कौन प्रेजेंट था ब्रदर इन लॉ सो सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज सेम यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब नहीं है एट इज अब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे ये सेंटेंस है द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास रूम एट द एंड ऑफ द हॉल वर वेरी नॉइजी तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वर्व क्या है वर् मेन वर्व है और यही लिंकिंग वर्व है और लिंकिंग वर्क के बाद ही आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड लिंकिंग वर्क के बाद आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना नॉइजी यहाँ पे क्लास द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास रूम एट द एंड ऑफ द हॉल तो यहाँ पे एट क्या है प्रपोजिशन सो प्रपोजिशन के बाद एंड ऑफ द हॉल तो ये ऑब्जेक्ट होगा ये इसकी विशेषता बता रहा थे इट इज़ एडजेक्टिव एंड यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है फ्रॉम फ्रॉम क्या प्रपोजिशन प्रपोजिशन के बाद ये क्या होता है ऑब्जेक्ट तो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट तो बचा क्या है ये द स्टूडेंट्स तो ये होगा सब्जेक्ट मैंने देखा लिंकिंग वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट सेम होगा स्टूडेंट्स ही नॉइजी थे एंड नॉइजी कौन थे स्टूडेंट्स तो सब्जेक्ट इक्वल्स टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो ये भी पूरा हो रहा है हमारा सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स जैसे नॉइज ही क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है एडजेक्टिव को क्वालीफाई करे वेरी तो ये क्या है यहाँ पे एडवर्ब एडवर्व क्योंकि एडवर्ब उसको क्वालिफाई करती है एडवर्ब तो एडजेक्टिव वर्ब एंड एडवर्ब अब जैसे एक सेंटेंस है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर तो रिक्वेस्ट करना यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे एक तरीके से रिक्वेस्ट करना या ऑर्डर देना तो इट्स अ काइंड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पे ब्रिंग से स्टार्ट हो रहा है ब्रिंग वर्ब है अगर वर्ब है सब्जेक्ट वर्ब के बिना सेंटेंस बनता नहीं तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा आप सब्जेक्ट बताना है तो इन वाले सेंटेंस में क्या होता है सब्जेक्ट कुछ लोग बोलते थे ये होता है लेकिन ये नहीं होता यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है मिस्टर इंडिया होता है मतलब दिखता नहीं है इट्स मिस्टर इंडिया तो यहाँ पे जैसे यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब लिखा नहीं जाता लेकिन ये नोन है बिकॉज यहाँ पे क्या है ब्रिंग ये वर्ब है और वर्ब के बाद क्या होता है यहाँ पे ग्लास है मतलब नाउन है इसे ऑब्जेक्ट ये ऑफ क्या है प्रपोजिशन प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है तो वो क्या होगा ऑब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये ना प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये ना सब्जेक्ट तो हुआ नहीं तो सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे यू है तो यहाँ पे ये मिस्टर इंडिया है मतलब लिखते नहीं है तो ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखता नहीं है इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है मिस्टर इंडिया होता है यू हमें पता है सब्जेक्ट नाउन प्रोनाव होता है इट इज़ प्रोनाउन नाउन शर्ट द डोर शट द डोर ये वर्ब है एंड इसके बाद नाउन आया है मतलब द डोर तो ये नाउन ही हुआ एंड नाउन वर्ब के बाद नाउन आता है जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट क्या है यू